हेलो एवरीवन, बेटा आज हम जो पढ़ रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th एनसीईआरटी, इसके हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज इस आखिरी वीडियो लेक्चर में, इस चैप्टर का जो आखिरी वीडियो लेक्चर है, इसमें बेटा हम एपोमिक्सिस को समझेंगे और पॉलीएम्ब्रोयनी को, जो 2.5 यहाँ पर ये दिया गया है एनसीईआरटी में आपका, ठीक है ना। तो ये एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रोयनी दो चीजों को हम समझेंगे। इसके पहले बेटा हम लोग सीड्स को समझ चुके हैं, फ्रूट्स को समझ चुके हैं। सीड में हमने देखा क्या क्या होता है, फ्रूट में हमने देखा क्या क्या होता है, एम्ब्रॉय में हमने देखा क्या क्या होता है, सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सीड वायबिलिटी क्या होती है ये भी हम समझ चुके हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग एपोमिक्सिस पर। सबसे पहले एपोमिक्सिस होता क्या है। एपोमिक्सिस टर्म को दिया था विंकलर ने, दिया था, इसको याद रखना बेटा। एपोमिक्सिस टर्म इज गिवन बाय विंकलर, ठीक है। आप एपोमिक्सिस को सीधे सीधे एक लाइन में याद रख सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सिर्फ एक वर्ड में, एक लाइन में बात याद रखना बेटा कि सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, इसी को एपोमिक्सिस सीड कहते हैं। इस प्रकार के सीड को एपोमिक्टिक सीड कहलाता है, करेक्ट बेटा। अब ये क्या होता है, यहां पर हमने इसको एक लाइन में डिफाइन भी किया है, इसको भी देख लीजिए। यह क्या होता है, एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझिए, जो सीड बन रहा होता है नॉर्मल प्रोसेस में, उसमें तो फर्टिलाइजेशन होता है तब जाकर के सीड बनता है, लेकिन यहां पर सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो यहां पर क्या होगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। बात को समझिएगा बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस क्या है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, लेकिन लेकिन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वो ऐसी मिमिक्री करता है कि मैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से ही बना हूं। समझ पाए बात को बेटा। कहने का मतलब ये है कि सीड बना है लेकिन वो एसेक्सुअल मेथड से बना है, लेकिन सीड का बनना तो किसका प्रोडक्ट, किसका रिजल्ट होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, ना कि ये ओरिजिनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, करेक्ट बेटा। होप समझ में आया होगा आपको। अब ये एपोमिक्सिस को हम यहाँ पर एपोगैमोस स्पर्मी भी कहते हैं। ये एपोमिक्सिस जो होता है, यहाँ पर हमने कुछ उसके बेसिक टाइप्स को लिखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों के एग्जाम में ये AIPMT वगैरह में पूछे गए हैं, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर नोट डाउन किया है कि आप इसको जानते रहे, इनकेस अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको टैकल कर सके आसानी से। यहां पर देखिए बेटा क्या चीज है ये। अच्छा एक चीज आप बताओ हमें कि एपोमिक्सिस और जो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या अंतर होता है। एपोमिक्सिस और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रकार का वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उसमें क्या था बेटा, बात समझिए, एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था और उसमें क्या था कि वो किसी प्लांट के किसी अदर पार्ट से कोई एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर ले रहा था। ठीक उसी प्रकार ये भी है कि सीड तो नहीं बन रहा है, लेकिन जो एम्ब्रॉय सैक है वो पूरे के पूरे ओवरी के किसी अदर पार्ट से एक सीड का फॉर्मेशन कर ले रहा है। वो अलग बात है कि कुछ इसमें स्टराइल भी होते हैं, इसमें हम समझेंगे, कुछ स्टराइल होते हैं जो नए पौधे का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। यहां पर इस चीज को देखेंगे बेटा। और एक चीज और है बेटा, जो सीड्स यहां पर बनता है, जो सीड्स यहां पर बनते हैं वो बिना कहने का मतलब ये है कि जो सीड यहां पर बन रहे हैं, ठीक है, जो सीड यहां पर बन रहे हैं वो उस सीड से पौधे अगर बनेंगे, बात समझिएगा, उस सीड से अगर पौधे अगर बनते हैं तो उसमें विदाउट माइटोटिकली वो सीड्स बने हुए हैं, एपोमिक्टिक सीड है। अभी आप यहां पर मत समझिए, इसको समझ लीजिए, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। समझिए इसको, यहां पर ये आपको पता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी विदाउट सिंगेमी, ठीक है ना, विदाउट सिंगेमी। अब देखिए पहला है एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी। एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी क्या चीज होता है। एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी आप सिंपली एक वर्ड में समझ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम द न्यूसिलस और इंटेगुमेंट। अब यहां पर इसको आप समझ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो या फिर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, ठीक है ना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा या तो न्यूसेलस से या फिर एंटेगुमेंट से। बस फिर से समझ लीजिए कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, ओव्यूल से होता है, जिसमें वो एक ओव्यूल के अंदर जो एक्स के अंदर एक ओयूल के अंदर जो एग होता है, एग के फर्टिलाइजेशन के बाद ओयूल बनता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय है, वो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय एम्ब्रॉय
इज फ्रॉम एंटोगमेंट या फिर न्यूसेलस से, ठीक है ना बेटा, न्यूसेलस, ये न्यूसेलस। अब एंटोगमेंट और न्यूसेलस कैसे होते हैं, दोनों के दोनों डिप्लॉइड बॉडी होते हैं, ठीक है बेटा। कि अगर इनसे और इनसे यानी एंटोगमेंट और न्यूसेलस से एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये एक नया प्लांट तो बना ही लेगा ना, एक नया सीड तो बना ही लेगा ना, नया सीड बन गया तो ये क्या कहलाता है बेटा, ये एडवेंटिव एम्ब्रोयनी, एडवेंटिशियस रूट। जैसे आपने पढ़ा था कि किसी अदर पार्ट से निकल जाता है रूट तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, तो यहां पर पूरे के पूरे ओयूल में से किसी अदर पार्ट से सीड का फॉर्मेशन हो जा रहा है उसको क्या कहेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रोयनी कहेंगे। ये ऐसा बेटा मैंगो और लेमन में देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ऐसा मैंगो एंड लेमन में देखने को मिलता है, करेक्ट बेटा, ये आपको समझ में आ। डिप्लो, अब देखते हैं बेटा डिप्लोस्पोरी क्या चीज है। डिप्लोस्पोरी बेटा यहां पर डिप्लो शब्द का मतलब, यहां पर डिप्लॉइड शब्द छुपा हुआ है, ठीक है, डिप्लॉइड शब्द छुपा हुआ है। जो जो एक का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स होती हैं, यानी जो एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स होती है उसको आप क्या कहते हो, मेगास्पोर मदर सेल्स। तो जो बेटा मेगास्पोर मदर सेल्स है उसको आप क्या कहते हो, एमएमसी कहते हो शॉर्ट में, ठीक है ना, एमएमसी। माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी एमएमसी कहते हैं लेकिन वो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, यहां पर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है यहां पर वो मियोसिस करके एक हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि एक पूरा का पूरा एक एगाप्रेटस पूरा का एक एम्ब्रॉय सैक का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये मेगास्पोर मदर सेल्स विदाउट माइटोटिक विदाउट मियोसिस करके, बात समझिएगा बेटा, कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है बिना मियोसिस के एम्ब्रॉय सैक का फॉर्मेशन कर ले, क्या बना ले यहां पर, एम्ब्रियो सैक बना ले, ठीक है ना, विदाउट मियोसिस, बात समझिएगा यहां पर, विदाउट मियोसिस। कुछ ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन हो कि ये माइटोटिक डिवीजन करे और एम्ब्रॉय सैक बना ले, ये क्या कहलाता है बेटा, डिप्लोस्पोरी कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा। ये डिप्लोस्पोरी क्या है, ये जो डिप्लोस्पोरी होता है, डिप्लोस्पोरी को हम डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। कि मतलब कि अब बताओ एम्ब्रॉय सैक बन गया, ये क्या बना लेगा, सीड बना लेगा, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस ही कहलाएगा, पार्थेनोकार्पी नहीं बोलना बेटा, ठीक है ना, पार्थेनोकार्पी नहीं होगा। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब यहां पर है कि कोई एक डिप्लो, ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, ये बिना मियोसिस के एम्ब्रॉय सैक बनाया, यही एम्ब्रॉय सैक सीड में डेवलप हो गया, ठीक, ये क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ये इसी में समझिए आप, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो एमएमसी होता है, मेगास्पोर मदर सेल होता है, जब मियोसिस करती है, मियोसिस करने के बाद चार मेगास्पोर बनाती है बेटा, ठीक है ना, मियोसिस करके चार मेगास्पोर बनाती हैं, जो वो हैप्लॉइड हो जाती हैं, ठीक है ना, यहां पर सिर्फ मियोसिस करेंगी, मियोसिस करने के बाद ये क्या बनाएंगी, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएंगी। कैसा होगा, हैप्लॉइड। अब यही हैप्लॉइड मेगास्पोर्स सीड में डेवलप हो जाए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना होना बेटा, आप थोड़ा सा ध्यान से समझते जाइए, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि ये एमएमसी है, डिप्लॉइड है, मियोसिस किया, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाया, यही हैप्लॉइड मेगास्पोर सीड में डेवलप हो गया, तो इसको क्या कहेंगे बेटा हम, ये हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है, ये हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे सीड्स जो होते हैं बेटा एस्टेराइल होते हैं, क्या एस्टेराइल, यानी वो जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, पौधे का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आपको यहां पर याद रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एग्जांपल भी याद रखना इसका, जो है ये हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का धतूरा है बेटा, ठीक है, धतूरा नाम तो सुना होगा इसका, कॉमन धतूरा, ठीक। अब आते हैं हम लोग एपोस्पोरी पर, एपोस्पोरी क्या चीज है, एपोस्पोरी भी देख लीजिए इसी में बेटा। एपोस्पोरी में क्या होता है कि जो न्यूसिलस होता है, जैसा कि आपने इसमें देखा था, ठीक है ना, न्यूसिलस किसमें, एडवेंटिव एम्ब्रोयनी में, न्यूसिलस कभी कभार एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करने लगती है, एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करने के बाद उसमें मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन होता है, मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन होने के बाद उसमें जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं एम्ब्रॉय सैक में, वही एम्ब्रॉय सैक बना लेती हैं सीड,
तो वो क्या कहलाएगा? एपोस्पोरी। किससे बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड फ्रॉम एबनॉर्मल न्यूसिलस। वर्ड को समझिएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, सीड्स फ्रॉम फ्रॉम एबनॉर्मल, एबनॉर्मल न्यूसिलस, न्यूसिलस ठीक है ना। इफ एबनॉर्मल न्यूसिलस से जो फॉर्मेशन, जो सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे बेटा हम? इसको कहते हैं बेटा हम एपोस्पोरी। ये देखने को मिलता है किसमें बेटा? पार्थेनियम में। एग्जाम्पल भी इसका याद रखिएगा, पार्थेनियम, पार्थेनियम या रूबस नाम की एक प्लांट होता है, रूबस, रूबस पार्थेनियम, रूबस पार्थेनियम याद रखिएगा, ठीक है ना बेटा, पार्थेनियम। अब आते हैं हम लोग एपोगैमी पर। एपोगैमी क्या है बेटा? एम्ब्रॉयड डेवलप्ड फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ एम्ब्रॉय सैक। अब थोड़ा सा इनसे हटके है, इनसे हटके है। जैसे इसमें क्या था, ये एडवेंट्यू से निकल रहा था, यानी कि एम्ब्रॉय ओयूल के बाहर से, ओयूल के बाहर के किसी अदर पार्ट से वो एडवेंट सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, वो कहला रहा था एडवेंट्यू एम्ब्रॉयनी। लेकिन एपोगैमी में क्या होता है? एपोगैमी में बेटा होता है कि एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसी अदर सेल से हो जा रहा है उसमें, यानी एग के अंदर ही, माफ कीजिएगा, ओयूल के अंदर ही डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय फ्रॉम फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ ओयूल, अदर सेल्स ऑफ ओयूल, ओयूल जैसे सचेज, सचेज क्या होंगे वो? सिनर्जिड एंड एंटीपोडल बेटा, ठीक है ना, एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। ये एपोगैमी ये होता है कि एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट ओयूल के किसी अदर सेल से हो जाए, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है बेटा एपोगैमी, ठीक है ना। यानी वो सेल्स कौन से हो सकती हैं? सिनर्जिक और एंटीपोडल्स बेटा, ठीक है ना। पोडल्स की स्पेलिंग सही लिखेगा बेटा। अब हम इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड, ठीक है ना बेटा। तब तक आप इसमें इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लीजिए। ये एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड देख लीजिए बेटा, इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ पर कह रहा है कि नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ हाइब्रिड प्रोजेनी। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई प्लांट है, हाइब्रिड प्रोजेनी है, उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई सीड बन रहा है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, दो नए नए अलग अलग ट्रेड्स का फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तो एक नया थर्ड कैरेक्टर उत्पन्न होकर के आता है, लेकिन पहले से ही वो फीमेल प्लांट अगर हाइब्रिड है, तो वहां से जो सीड बन रहा है, तो वो सीड जैसा फीमेल प्लांट था, अगर वो हाइब्रिड है, तो उसका अगला वाला जो प्लांट बनेगा, जो बिना फर्टिलाइजेशन के जो सीड बना है, वो भी कैसा ही होगा? हाइब्रिड ही होगा, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा। सेग्रीगेशन को आप पढ़ोगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, अभी इतना ही, यहाँ पर जानते रहो इसको, ठीक है ना। दिस सीड कैन बी यूज टू ग्रो क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। अगर वो हाइब्रिड सीड्स है, तो उसको आप कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू आप ग्रो करते रहो, ठीक है ना, आप उसको कंटिन्यू ग्रो करते रहो, ठीक है, लगातार इसको यूज करते रहो, क्योंकि उसमें सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो इस सीड, जिस सीड में सेग्रीगेशन नहीं होगा, उसको आप कंटिन्यू यूज करते जाओ, उसको बोते जाओ आप लगातार, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अगर कंटिन्यू फर्टिलाइजेशन होता रहा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। लास्ट वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, दीज आर इकोनॉमिकल एज हाइब्रिड सीड आर नॉट यूज्ड टू ग्रो क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। यह व्यावसायिक पैमाने पर हाइब्रिड सीड को यहाँ पर यूज किया जाता है, लेकिन इसे ईयर आफ्टर ईयर को यूज नहीं किया जा सकता। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि आपको पता है कि जो सीड का फॉर्मेशन हो चुका है, अगर इसको ईयर आफ्टर ईयर आप कंटिन्यू बोते रहे, तो इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस तो बढ़ेंगे, मिक्सअप हो जाएगा, तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशंस अधिक हो जाएंगे। तो इसको जो बेटा इकोनॉमिकली आप कुछ सालों तक यूज कर सकते हैं, लेकिन ईयर आफ्टर ईयर अगर कंटिन्यू अगर आप बोते जाते हैं, तो ये धीरे धीरे एस्ट्राइल या फिर इनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉली एम्ब्रॉयनी पर। अब देखते हैं बेटा पॉली एम्ब्रॉयनी क्या चीज है। पॉली एम्ब्रॉयनी जनरली तो जिम्नोस्पर्म में मैक्सिमम देखने को मिलता है, और एंजियोस्पर्म में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म में यह साइट्रस प्लांट में अधिक देखने को मिलता है। जो पॉली एम्ब्रॉयनी टर्म है, इसको एंटोनी वान लियुवेनहॉक ने दिया था। ये ऑरेंज में इन्होंने सबसे पहले देखा था, संतरे में इसकी सबसे पहले इन्होंने खोज की थी। कौन? एंटोनी वान लियुवेनहॉक ने।
अब बेटा जो पॉली एम्ब्रॉयडरी है क्या चीज, अब जनरली एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रॉय होता है, बात समझ लीजिएगा बेटा, एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रॉय होता है तो ये कहलाता है मोनो एम्ब्रॉयडरी, नॉर्मल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। लेकिन अगर उस सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रॉय प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, पॉली एम्ब्रॉयडरी। ठीक है बेटा, पॉली एम्ब्रॉयडरी दो तरीके से हो सकती है, एक होता है ट्रू पॉली एम्ब्रॉयडरी, एक होता है फॉल्स पॉली एम्ब्रॉयडरी। तो सबसे पहले ट्रू पॉली एम्ब्रॉयडरी को समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है बेटा, सिंगेमी के बाद क्या बनता है आप बताइए, सिंगेमी के बाद बनता है जायगोट, ठीक है ना। जायगोट के न्यूट्रिएंट्स मिलता है किससे, एंडोस्पर्म से, और जायगोट बनाता है क्या, एम्ब्रियो, ठीक है ना, डिवीजन करके। ये एम्ब्रियो बनाता है जायगोट यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन करके। अब जैसे ही एम्ब्रियो डिवाइड होने लगता है तो एम्ब्रियो डिवाइड होकर के ये इसमें एम्ब्रियो जब माइटोटिक डिवीजन करता करने लगता है तो कई पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, एम्ब्रियो के कई सारे सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। तो ये कई सारे एम्ब्रियो इसके अंदर इसी सीड के अंदर कौन से, उसी सीड के अंदर वो सेग्रीगेट हो सेपरेट हो जाते हैं, वो एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं सेपरेट होकर के ढेर सारे एम्ब्रियो यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एक सीड के अंदर मैक्सिमम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ये कंडीशंस कहलाती है पॉली एम्ब्रॉयडरी। दूसरी कंडीशन ये होती है बेटा, सीधा सीधा आप समझिए, एम्ब्रॉय डेवलपिंग बाय क्लीवेज ऑफ जायगोट, यानी कि जो एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट हो रहा है वो जायगोट के क्लीवेज से ही होता है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं बेटा, इसमें सेकंड होता है बेटा, सेकंड में ये होता है कि जो एम्ब्रॉय होता है वो किसी अदर सेल्स से डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, किसी अदर सेल्स से, एम्ब्रॉय सैक के किसी अदर सेल्स से वो एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है तो वो पॉली एम्ब्रॉयडरी क्रिएट कर देता है। अदर सेल्स का मतलब कौन सा हो सकता है, वो सिनर्जिड सेल्स हो सकते हैं, एंटीपोडल सेल्स हो सकते हैं, इनसे अगर डेवलप हो जाता है तो वो भी पॉली एम्ब्रॉयडरी क्रिएट कर सकता है। थर्ड और लास्ट में है बेटा कि कभी कभार क्या होता है कि एडवेंटिव पॉली एम्ब्रॉयडरी, जैसे इसके पहले आपने पढ़ा था एडवेंटिव एपोमिक्सिस में पढ़ा था आपने कि वो एडवेंटिव एम्ब्रॉयडरी जो आपने पढ़ा था, तो क्या होता है वो न्यूसेलर ओरिजिन न्यूसेलस से अगर एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें भी यार बनेगा तो सीड एक ही, उस सीड के अंदर अगर ढेर सारे एम्ब्रॉय बन गए तो क्या कहलाएगा, वो पॉली एम्ब्रॉयडरी। तो क्या उसमें न्यूसेलस है, न्यूसेलस ने अगर वो एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन कर दिया तो वो क्या होगा, न्यूसेलर एम्ब्रॉय कहलाएगा, और ये कंडीशंस क्या कहलाएगी, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रॉयडरी कहलाएगी। ठीक है बेटा, यानी कि एडवेंटिव पॉली एम्ब्रॉयडरी, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रॉयडरी नहीं, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रॉयडरी कहलाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर। और जो फॉल्स पॉली ट्रू और फॉल्स दो पॉली एम्ब्रॉयडरी होती है, इसके पहले जो तीनों बताया हमने ये ट्रू पॉली एम्ब्रॉयडरी है, और फॉल्स पॉली एम्ब्रॉयडरी जो होती है बेटा इसमें जो होता है एम्ब्रॉय सैक ऑरिजिनेट होता है किसी मेगास्पोर मदर सेल से वो ऑरिजिनेट हो जाए, या एपोस्पोरिक सैक से ऑरिजिनेट हो जाए। एपोस्पोरिक अभी आपने पढ़ा था, एपोस्पोरिक में क्या होता है बेटा कि जो एबनॉर्मल न्यूसेलस होता है उससे वो एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये चीजें, ये सारी की सारी चीजें आप लोग बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, तो पॉली एम्ब्रॉयडरी को आप एपोमिक्सिस से जो है कोरिलेट करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, पॉली एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर आपको बेटा क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल ये है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी पूछ रहा है कि जो बेटा जो एपोमिक्टिक एम्ब्रॉय है या फिर जो पॉली एम्ब्रॉयडरी है, क्या ये एक दूसरे के क्लोन होंगे, ये आप हमें बताएंगे। जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रॉय, कैन दे कॉल्ड क्लोन्स, यानी जेनेटिक नेचर क्या होगा एपोमिक्टिक एम्ब्रॉय का, या फिर जो पॉली एम्ब्रॉयनिक से भी जो एक से दूसरे एम्ब्रॉय बन रहे हैं उसका जेनेटिक नेचर क्या होगा, क्या ये एक दूसरे के क्लोन होते हैं, ये आप हमें बताएंगे बेटा। ठीक है ना, अब हम लास्ट में चलते हैं बेटा। ठीक है, लास्ट में जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो फ्लोरल पार्ट्स थे उनका हुआ क्या, उनका फेट बताते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं बेटा। नोट भी कर लिए होंगे आप, उसको नोट कर देते हैं, जल्दी से समझा देते हैं, यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, वीडियो भी लंबा हो रहा है। हाँ बेटा, फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स थे उसमें ये सारे के सारे पार्ट्स आपको पता है, इनका फल बनने के बाद, सीड बनने के बाद हुआ क्या। जैसे जो ओवरी है, ओवरी क्या फॉर्मेशन करता है बेटा, फ्रूट। ओवरी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, ये फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। ओवेरियन वॉल क्या बनाता है बेटा, पेरिकार्प, ये आपको पता है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये आपको पता है। ये कैसा होता है, ये भी डिप्लॉइड होता है, ये पेरिकार्प का फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल क्या बनाता है बेटा, सीड बनाता है। ओव्यूल कैसा होता है, ये बेटा
डिप्लॉइड होता है, याद रखिएगा, ओयूल कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ये क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन करता है। एक चीज और बेटा यहाँ पर है कि अभी अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ओयूल डिप्लॉइड होता है तो सीड कैसे बनाएगा, बेटा बेटा जब फर्टिलाइज होगा तभी तो सीड बनाएगा ना, ओयूल तो हैप्लॉइड था, यहाँ पर हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सीड का फॉर्मेशन करेगा। आउटर एंटोगमेंट और इनर एंटोगमेंट दोनों के दोनों डिप्लॉइड होते हैं, ये भी डिप्लॉइड होता है, ये भी डिप्लॉइड होता है। आउटर एंटोगमेंट क्या बनाता है बेटा, टेस्टा, ये क्या है, ये एक आउटर सीड कोट है। जो इनर एंटोगमेंट होता है वो बनाता है क्या, टेगमेन, जैसे मैंने आम का एग्जांपल आपको दिया था कि आम के ऊपर एक बाहर टफ कवरिंग होती है वो टेस्टा कहलाता है, उसके सीड को निकालो तो उसके ऊपर एक पतली सी स्ट्रॉन्ग लेयरिंग होती है वो टेगमेन कहलाती है। तो किसी में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर होता है, यानी कि ये टेस्टा नहीं पाया जाता, सिर्फ टेगमेन पाया जाता है, किसी में दोनों पाया जाता है, यानी अगर दोनों होंगे तो टेस्टा बनेगा और टेगमेन दोनों बनेगा, अगर नहीं होंगे तो सिर्फ और सिर्फ टेगमेन बनेगा, टेस्टा नहीं बनेगा, ठीक है, ये क्लियर बेटा आपको। अब क्या है, जायगोट, जायगोट भी डिप्लॉइड होता है, ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, आपको इतना पता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है सिंगेमी के बाद। पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये कैसा होता है बेटा, ये होता है ट्रिप्लॉइड, याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बनाता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सेपल्स क्या क्या हुआ, फॉल डाउन हो गए, पेटल्स का क्या हुआ, फॉल डाउन हो गए यानी झड़ करके गिर जाते हैं, स्टैमेन स्टिग्मा स्टाइल विदर अवे, मतलब कि ये भी झड़ करके गिर जाते हैं, इतना हो गया आपको पता। और जो यहाँ पर न्यूसिलस है, न्यूसिलस या तो कंज्यूम हो गया या तो बचा रह गया, पहले तो कंज्यूम हो जाएगा डेवलपिंग एम्ब्रॉय, कंज्यूम हो गया तो ठीक, अगर बचा रह गया तो वो किस फॉर्म में क्या कहलाता है बेटा, वो पेरिस्पर्म कहलाता है, यानी वो एल्बुमिनस सीड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जब वो सीड्स बनते हैं, जब वो डेवलप करने लगते हैं, तब वो जाकर के ये कंज्यूम होता है, ठीक है ना, ये समझ में आया, न्यूसिलस पहले तो या तो कंज्यूम हो गया, दैट्स गुड, लेकिन अगर बचा रह गया तो क्या कहलाता है, वो पेरिस्पर्म कहलाता है। अब जो बच रहे हैं सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल, इनका क्या हुआ, ये डीजनरेट हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना, ये सभी फ्लोरल पार्ट्स का यहाँ पर फेट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, इसको याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है, होप अब ये चैप्टर आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर इनकेस इस पूरे के पूरे चैप्टर में कहीं कोई यदि मेरे से गलती हो गई है तो उसे आप में बता दीजिएगा या फिर खुद सुधार कर लीजिएगा, या और दूसरी चीज, इसको आप कम्प्लीटली पूरा का पूरा एनसीईआरटी को ए टू जेड पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, इससे रिलेटेड सारे के सारे मैक्सिमम एमसीक्यूज को आप सॉल्व कीजिए, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे वो मेडिकल एग्जाम का हो, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, फोड़ देंगे बेटा हम।